ओके, तो भाई रोमन रेंज ने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, रोमन रेंज रेसलिंग को ही छोड़ देंगे अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड से हारते हैं। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज को सेव करने के लिए ब्लड लाइन के एक नहीं दो मेंबर ने कंफर्म कर दिया कि वो रेसलमेनिया 40 के अंदर आने वाले हैं। बहुत सारे मैं आपको मजेदार अपडेट को बताने वाला आज की इस वीडियो के अंदर, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई हम लोग ब्रॉक लेसनर के सस्ता कॉपी के बारे में बात करते हैं। एक बंदा था जिसके बारे में आप लोगों ने काफी टाइम पहले सुना होगा, बुलडॉग शायद से इसका नाम था। ये बंदा पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर था, उसके बाद एडब्ल्यू वाले ने इसको साइन किया। एडब्ल्यू वाले भाई ये सोचे थे कि ये ब्रॉक लेसनर जैसा देखने में लगता है, मतलब ये भाई ब्रॉक लेसनर जैसा बिस्ट हो सकता है। भाई अब फाइनली एडब्ल्यू वाले भाई इस बात को अब समझ चुके, उन्होंने इसको कंपनी से बाहर निकाल दिया है। अब भाई हर कोई ब्रॉक लेसनर जैसा देखने वाला भाई ब्रॉक लेसनर तो नहीं हो जाता है। भाई एडब्ल्यू कंपनी के बारे में आपको एक और छोटा सा अपडेट बता देता हूं। भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भी भाई अब बजट कट मतलब होना शुरू हो चुका है, बहुत सारे एडब्ल्यू कंपनी रेसलर को मतलब रिलीज किया जा रहा है। जैसे द बॉयज करके एक टीम था भाई, उसको भी रिसेंट टाइम में एडब्ल्यू वाले ने अपनी कंपनी से भगा दिया। मतलब भाई बजट कट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने एडब्ल्यू वाले भी करेंट टाइम में कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर भाई कौन कौन से मैचेस होने वाला आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई 7 मैचेस को रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर करवा रहे हैं, आप लोग सारे लोग रोक कर यहाँ पर देख भी सकते हैं। मेरे ख्याल से भाई आपको 6 या 7 मैचेस एज यूजुअल आपको रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। भाई रेसलमेनिया 40 का भाई कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बहुत सारा फोटो भी निकल कर आइडिया लग जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 40 का स्टेडियम पूरा होने वाला है। बात करते हैं एक और ब्लड लाइन के मेंबर के बारे में जो कि भाई आकर रोमन रेंज को सेव कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। से मैंने कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको जिला फाटू के बारे में बताया था, पर भाई एक और करेंट टाइम मेंबर निकलकर सामने आया। आप लोग इनका नाम भाई यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भाई मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेंस अनुआ करके शायद से इनका नाम। तो भाई इन्होंने ट्वीट करके इस बात को लिखा है कुड आई बी द नेक्स्ट। और भाई अब सारे लोग इसी चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर ये देखने को मिल सकते हैं। भाई अगर आपको नहीं पता तो भाई ये एक्चुअली ब्लड लाइन के ही मेंबर है। ब्लड लाइन के भाई बहुत सारा मतलब खानदान फैला हुआ है, अगर आपको नहीं पता। भाई इन्होंने रेसलमेनिया के जस्ट पहले ट्वीट किया, तो भाई हमें शायद से देखने को मिल भी सकता है। वैसे भाई आज शाम को एक स्पेशल वीडियो चैनल को पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रेसलर आपको रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं रॉक के बारे में। तो भाई रॉक का फैन फॉलोइंग भाई कम नहीं हुआ है, भाई आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे फैंस उनके साथ फोटो भी खींचा। इनफैक्ट भाई रॉक ने ट्विटर के ऊपर भाई वीडियो भी शेयर किया था, बहुत सारे फैन इनका नाम का टैटू मतलब वहाँ पर बनाए हुए थे। तो मेरे ख्याल से भाई अब मतलब जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस है भाई वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, मतलब उनको पता रॉक जो भी कर रहे हैं करेंट है मतलब अपना हील कैरेक्टर के अंदर कर रहे हैं, ऐसा मतलब रियल लाइफ में इंसानों नहीं है। भाई आज के 15-20 साल पहले भाई लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रियल होता है या फिर फेक होता है। वैसे आप लोगों ने ये फोटो कहीं ना कहीं देखा होगा, मैं आपको जस्ट फॉर फन बता देता हूँ। रॉक ने भाई ये जो ड्रेस पहन कर आए थे ऑलरेडी 2001 के अंदर वो पहनकर आ चुके थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्टोरी के अंदर जो डिटेल जो डालती है मेरे ख्याल से भाई वो काफी कमाल का काम करती है। बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई आज के एक्जैक्टली 7 साल पहले रेसलमेनिया 2017 के अंदर रोमन रेंज ने अंडरटेकर को हराया, और साथ ही साथ भाई हमें हार्डीज बॉयज का रिटर्न मतलब उसी रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को मिला। वैसे अब मैं आपको बात ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि भाई हार्डीज बॉयज इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर आने वाले, इस चीज को लेकर कंफर्म बहुत सारे सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। आप लोग खुद से भाई सबसे पहले यहाँ पर स्पॉट किला का रिपोर्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ भाई रेसलिंग.com वालों ने भाई इस बात को कंफर्म किया कि आपको शायद से हार्डीज बॉयज देखने को मिल सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, और इनका रिटर्न भाई आपको टैग टीम मैच के दौरान देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअली टैग टीम लैडर मैच हो रहा है। देखते हैं भाई हार्डीज बॉयज आते हैं या फिर नहीं आते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे रेसलर का भाई रिटर्न का मतलब नाम निकल कर सामने आ रहा है। शाम को मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज भाई रिसेंट टाइम भाई कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हुए दिख रहा है रॉक को। रिसेंट टाइम भाई रॉक को धन्यवाद बोलते हैं कि रॉक मतलब वापस आया, जिससे हमें मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने जो भाई मतलब मिलकर कोडी रोड्स का जो भाई पुंगी बजाया, इसके ऊपर भाई रोमन रेंज करेंट टाइम में कुछ ज्यादा ही हैप्पी है। तो देखते हैं भाई हार्डली भाई रोमन रेंज का जो हैप्पीनेस है भाई मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का ही रहने वाला है। वैसे भाई रॉक ने भाई पॉल हेमन के स्टाइल में लेडीज एंड जेंटलमैन करके इस बात को अनाउंस कर दिया कि भाई कल का मंडे नाइट रॉ था भाई यूएसए का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ, क्योंकि भाई कल का जो मंडे नाइट रॉ था भाई हाईएस्ट सेलिंग मतलब रॉक एपिसोड था, सबसे ज्यादा टिकट वहां पर सेल हुआ था। तो आप लोग समझ लो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो। मेरे ख्याल से भाई कल का रॉ एक्चुअली काफी कमाल का ही था। बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई आज के एक्जैक्टली 12 साल पहले हमें ब्रॉक लेसनर का फिर से रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिला। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर मुझे पास में जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के किसी एरा को देखना होगा तो भाई मैं यही एरा को चूज करूंगा। मतलब भाई सोच कहीं नहीं लगता कि भाई ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर रहा है, जॉन सीना को F5 लगा रहा है, जॉन सीना को कुत्ता जैसा 13 को सुप्लेक्स लगा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो जो टाइम था 2012 का सबसे गोल्डन टाइम था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का। बात करते हैं डस्टी रोड्स के बारे में। तो भाई डस्टी रोड्स भी भाई बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं, जो कि कोडी रोड्स के भाई है रॉक और रोमन रेंज के ऊपर। उन्होंने लिटरली उनको गाली दिया, और बहुत सारे सोर्सेस का ये भी कहना है कि भाई डस्टी रोड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भाई कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स ने भाई एक चुम्मा लेने वाला फोटो सबसे पहले भाई कोडी रोड्स के साथ शेयर किया। साथ ही साथ उन्होंने रॉक और रोमन रेंज दोनों को गाली भी दिया, बोला कि मतलब तुम्हारे पास एक बेल्ट भी है। वैसे भाई रेसलमेनिया टाइम वालों ने भाई हमें डरा ही दिया, उन्होंने सीधे ट्वीट करके इस बात को लिखा है कि ये फाइनल टाइम है रोमन रेंज का। मतलब आप जो रोमन रेंज को देख रहे हो भाई इसके बाद मतलब रोमन रेंज का भाई एंडिंग होने वाला है। वहीं दूसरी साइड अगर हम लोग रोमन रेंज का बात करें तो भाई उन्होंने साफ तरीके से इस बात को बोल दिया कि बेटा अगर मैं कोडी रोड से हारा फिर मैं रेसलिंग को ही छोड़ दूंगा। साइड भाई सारे न्यूज चैनल वाले इस बात को लिख रहे हैं कि भाई इस बार कोडी रोड्स विन करने वाला, दूसरी साइड भाई रोमन रेंज लिख रहे हैं कि अगर मैं हारा तो मैं रेसलिंग को ही छोड़ दूंगा। ये करंट टाइम भाई कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज हो रहा है, पर भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज रेसलिंग को छोड़ेंगे नहीं हारने के। रोमन रेंज हारने वाले ये चीज से, पर भाई मतलब वो एज ए हील कैरेक्टर बोले कि वो रेसलिंग को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ करने नहीं वाले। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई सोलो सिकोआ के बारे में अपडेट निकल कर सामने है कि भाई डब्ल्यू वाले करंट टाइम में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है सोलो सिकोआ को। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले का भाई ये प्लान है कि भाई वो सोलो सिकोआ को करंट टाइम में सबसे बड़ा हील बनाए डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का, उनको मतलब एक बहुत बड़ा मतलब थ्रेड बनाए चैंपियंस बेल्ट के लिए। जिस भी बंदा को टारगेट करने वाला मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा ये थ्रेड होगा। वैसे अभी तो मैं सोलो सिकोआ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, पर हाँ भाई मेरे ख्याल से सोलो सिकोआ जैसे ब्लड लाइन से अलग होंगे, एक बहुत बड़ा स्टार वो बनकर निकलेंगे सामने। सोलो सिकोआ का भाई थोड़ा सा माइक स्किल को लेकर भाई मुझे अभी भी डाउट लगता है, पर भाई ओवरऑल सारा चीज सही है सोलो सिकोआ। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई रेसलिंग वर्डी की तरफ से भाई ये ट्वीट निकल कर सामने है कि क्या ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहते हैं। मैं बताता हूँ भाई ये न्यूज चैनल वाले हैं, पर भाई मतलब कोई ऑफिशियल ऐसा इनके तरफ से स्टेटमेंट ऐसा नहीं निकल कर सामने आया। पर हाँ मैंने पास्ट के अंदर बहुत सारे वीडियो के अंदर कवर किया आखिर क्यों ब्रॉक लेसनर को वापस आना चाहिए और ब्रॉक लेसनर किसके सेगमेंट में प्रोबेबली आ सकता है। हाँ भाई अब जो मैं आपको रेसलर के बारे में बताने वाला जो कि भाई हमारे हैं फील्ड, इनका आपको 100% रिटर्न आपको देखने को मिलेगा बहुत ही। भाई एक ही सोर्सेस की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने आया था, तो मैंने इसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। पर भाई अब लिटरली सारे न्यूज चैनल वाले भाई करंट टाइम में इसी चीज को टीस कर रहे हैं। रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने तो भाई मतलब 3-4 यहाँ पर पॉइंट भी रखकर सामने बताया कि यहाँ पर हमें टीस देखने को मिला था ब्रे वाइट का डॉक्यूमेंट्री के अंदर। साथ ही साथ भाई आप लोग जो ये ब्रे वाइट का चेहरा देख रहे हो भाई, ये ब्रे वाइट का चेहरा कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं था। मैंने कल दिखा दिया था, पर भाई मुझे नहीं पता था कि ये चेहरा कभी आया ही नहीं मतलब ब्रे वाइट। इसके अलावा भाई ब्रे वाइट का हमें बहुत सारे पुराने फोटोज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपको अभी भी नहीं भरोसा रहा तो भाई अलेक्सा ब्लेस जो कि उनके साथ काम करती थी उनके तरफ से भी ट्वीट निकल कर सामने आया। अलेक्सा ब्लेस ने ट्वीट करते हुए इस बात को बताया कि लाइट वापस आ रहा है मतलब फिर से। अब भाई मेरे ख्याल से भाई मैं आपको कितना हिंट दूंगा कि ब्रे वाइट का मतलब कैरेक्टर भाई फिर से वापस आ रहा है। अगर अभी भी नहीं भरोसा रहा तो भाई बोर्ड एलेस इनके भाई भाई उनके तरफ से भी इसी तरीके का ट्वीट निकल कर सामने आया, मैं आपको कल दिखा भी दूंगा। ओवरऑल बात है कि भाई मतलब ब्रे वाइट आपको देखने को मिलेंगे, इनका कैरेक्टर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली भाई रिसेंट टाइम में रोमन रेंस के ऊपर कमेंट किया। रिया रिप्ली भाई इस बात को बोली कि इस बार का रेसलमेनिया 40 जो होने वाला है रोमन रेंस के लिए बहुत ज्यादा हार्ड रेसलमेनिया होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस को दोनों नाइट के ऊपर फाइट करना होगा जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो भाई रोमन रेंस को लेकर भाई करंट टाइम बहुत सारे लोग मतलब चिंता में पड़े हुए। वैसे भाई रोमन रेंस के लिए भाई कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला, क्योंकि भाई रोमन रेंस एक प्रोफेशनल रेसलर है, एक साल में 120 मैच से ज्यादा रेसल कर चुके हैं। लगातार 2 नाइट के ऊपर कम्पीट करना भाई इनके लिए उतना मुश्किल काम नहीं होने वाला। हम लोग टैग टीम मैच का बात करें तो भाई मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम तक भाई रॉक ही रेसल करने वाला मैच के अंदर। वैसे भाई बेकी लिंच ने अपने बारे में भी मतलब स्टेटमेंट दिया कि अगर वो रेसलिंग को अभी क्विट कर देते हैं उसके बावजूद ही ग्रेटेस्ट वुमेन्स रेसलर वो बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाई बेकी लिंच ने भाई कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि भाई बेकी लिंच एक्चुअली काफी सारा चीज अचीव कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई आज के एक्जैक्टली 1 साल पहले भाई कोडी रोड्स अपना स्टोरी को रेसलमेनिया 39 के अंदर फिनिश नहीं कर पाए, और भाई इस बार क्या स्टोरी फिनिश करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे भाई ये सिर्फ एक इंसान को पता जो कि है पॉल हेमन ने। भाई खुद से इस बात को कंफर्म किया कि ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन भाई कई बार बदला जा चुका है, कई बार उसका एंडिंग बदला जा चुका है। एक्जेक्टली ब्लड लाइन का भाई एंडिंग क्या होने वाला ये एक्जेक्टली करंट टाइम पॉल हेमन को ही पता है। तो मतलब भाई वही बात हो गया ना, महाभारत के करंट टाइम में कृष्ण हमारे पॉल हेमन बने हुए हैं। तो मुझे नहीं पता भाई एंडिंग कब होने वाला, पर करंट टाइम भाई सारे ही लोग मतलब भाई गुस्से में दिख रहे हैं। रोमन रेंज का अलग स्टेटमेंट, पॉल हेमन का अलग स्टेटमेंट, रॉक का अलग स्टेटमेंट, कोडी रोड्स का अलग ही रोना। नेक्स्ट बात करते हैं रोंडा रॉजी के बारे में। तो भाई रोंडा रॉजी भाई मतलब एक अपना कॉमिक बुक रिलीज करने वाला है, मैं आपको छोटा सा इनके बारे में अपडेट बताया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ भाई अब अमेरिकन ऑडियंस को भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर एक वुमेन्स डिवीजन का एक बैटल रॉयल मैच देखना है। जिस तरीके से रॉयल रंबल हुआ करता है मतलब उसी तरीके से, और इसके ऊपर भाई लिटरली उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला दिया कि वी वांट बैटल रॉयल मैच ऐसा करके उन्होंने। तो मुझे नहीं पता भाई देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, अमेरिकन ऑडियंस भाई अलग ही घस के हुआ। वैसे भाई अब रेसलमेनिया 40 होने में भाई सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है, तो चैनल के ऊपर भाई 3 से 4 वीडियो और चैनल के ऊपर मतलब 2 वीडियो भी और देखने को मिलेगा। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। साथ ही साथ भाई जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग जरूर से आ सकते हैं।